टॉक इन द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के डेट में जो कि हम कैटलिक का यहाँ पर डे एनालिसिस करने वाले हैं, कैटलिक यहाँ 393.50 पैसा पे ओपन हुआ था और इसने अपना हाई बनाया 394.55 पैसे का और लो बनाया 385.25 और जाकर क्लोज हुआ है 386.40 पैसे पे। कैटलिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा स्टॉक है और इस वीक में इसने दो ट्रेडिंग सेशन अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देने के बाद भी लास्ट थ्री डेज से ये बेरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, लेकिन इन सभी चीजों में हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी जो हायर टाइम का जो ट्रेंड है वो अभी भी अप है। यहाँ पर हम एक डेली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में हमें बने रहना है या इसे बेच देना है। तो ये देखिए, ये डेली ट्रेंड है और अभी भी वो अप है, लेकिन डेली ट्रेंड अप होने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक अगर 394 या 40 रुपीस पे खड़ा है और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो हम यहां तक आने का वेट करें 350 पे। यहां पर देखिए एक छोटा सा अनडिसीजन का कैंडल यहां पर फॉर्मेशन हुआ था, मैं इस चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये जो कैंडल है अनडिसीजन का, तो अच्छा खासा इसने एक सिग्नल दिया था कि स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा और सेकेंड डे का जो ये कैंडल बनाया था बुलिश, बहुत अच्छा कैंडल बनाया था कि ये स्टॉक ऊपर की ओर अपना मार्च जारी रखेगा, लेकिन लास्ट थ्री डेज में जो बेरिश यहां पर कैंडल बनी है तो उसके चलते इस कैंडल का और इस अनडिसीजन का यहां पर कोई भी मीनिंग नहीं रहा है। यहां पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि से लेके ये है 372 तक का और यहां पर देखिए ये प्राइस यहां इस रेक्टेंगल के पास आने के प्रीवियस यानी कल की डेट में 12 अगस्त को प्राइस यहां तक आई और यहां आने के बाद 381.50 के आसपास ये प्राइस आने के बाद बाउंस बैक होके ऊपर की ओर इसने मार्च स्टार्ट किया। यहाँ पे अगर वैल्यूम अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसलिए इस स्टॉक में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कल की डेट में ये हो सकता है कि स्टॉक फिर से इस जो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है, ये यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करके नेक्स्ट वीक ये अपना अपट्रेंड जारी रख सकता है, इसकी पूरी प्रबल संभावना है। तो जिन्होंने भी स्टॉक को होल्ड किया है तो अपना स्टॉप लॉस आसपास रखें। अगर ये कैंडल या फिर यहां से ये जो प्राइस है इस लाइन यानी 378 के नीचे अगर ये आता है तो हमें इस स्टॉक में नहीं रहना चाहिए, हमें इसे सेल कर देना चाहिए क्योंकि ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और ये जो आपको डेली ट्रेंड दिख रहा है जो कि बहुत नीचे 354 पे, तो हम यहाँ पर एक नया फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं।
लेकिन ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अब कल की डेट में ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक ओपन होना चाहिए जहां तक 386, 387 पे, और इसने अपना अप ट्रेंड दिखाते हुए 394 पे या अनडिसीजन का कैंडल बना के ये क्लोज होना चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा 13 अगस्त 2020 का, तो इस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, इसको हम यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई जोन बना हुआ है और यहाँ से स्टॉक नीचे आता हुआ 382 पे आया और यहाँ से इसने बाउंस बैक करते हुए ऊपर की ओर जा गया और यहाँ एक इनडिसीजन का कैंडल बनाया हुआ है। तो यहाँ कहीं पर भी कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है स्टॉक को कि जहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन कल की डेट में हो सकता है कि ये स्टॉक इस ये जो 381 के नीचे ना आए। अगर 381 के नीचे इसका प्राइस आता है, जैसे कि 378 या 379 के पास अगर ये प्राइस आता है, तो इस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर ये प्राइस आता है तो यहाँ पर कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है कि या ये प्राइस वहां से बाउंस बैक करेगी और ऊपर की ओर जाएगी। प्राइस नीचे डायरेक्ट यहाँ 354 पे आ सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।